हेलो एवरीवन, टुडे वी विल सॉल्व फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 10th बी क्लास 8th आरएस अग्रवाल में। इससे पहले वीडियो में 1 to 6 के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आप प्लेलिस्ट क्लास 8th आरएस अग्रवाल मैथ नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज अ सेल फोन वाज मार्क एट 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। एक सेलफोन है उस पर मार्क कर दिया प्राइस कितना 40% ओके कॉस्ट प्राइस से, एंड अ डिस्काउंट ऑफ 30% वाज गिवन ऑन इट्स मार्क प्राइस। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट मेड बाय शॉपकीपर। तो हमें बताना है शॉपकीपर को इससे गेन हुआ या लॉस हुआ। जो मार्क करा, जो प्रिंट करा है 40% अबव करा है कॉस्ट प्राइस से। तो सबसे पहले क्या करें, कॉस्ट प्राइस मान लो कि वो सेल फोन दुकानदार को कितने का पड़ा है ना। तो लेट द कॉस्ट प्राइस, या सीपी लिख सकते हो आप शॉर्ट में, लेस द कॉस्ट प्राइस ऑफ सेल फोन इज इक्वल ₹100। ओके, तो मार्क प्राइस क्या होगा, तो मार्क प्राइस ऑफ सेल फोन कितना परसेंट अबव करा, 40%। 100 का 40% 40 ही होता है, 100 माने से ही फायदा होता है, तुरंत निकलाता है। तो मार्क प्राइस हो गया ₹140। सवाल का मतलब क्या है, अगर सेल फोन ₹100 का है तो उसने उसको प्रिंट कर दिया, मार्क कर दिया ₹140। अब जो शॉपकीपर है कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहा है, 30% डिस्काउंट। तो डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया था, मार्क प्राइस पर। तो 30% डिस्काउंट निकाल लो, 30% डिस्काउंट कितना होगा, ये निकालने कितना होता मार्क प्राइस का 30%, 140 × 30/100। ये फॉर्मूला है सीधे सीधा, इस एक जीरो से एक जीरो, सेकंड जीरो से सेकंड जीरो, 14 × 3 = 42। इसको हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, मैंने स्टेप बाय स्टेप आराम से कर दिया। तो हमने 30% डिस्काउंट निकाल लिया। तो जो सेलिंग प्राइस है सेल फोन का क्या होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ सेल फोन क्या होता है, मार्क प्राइस को एमपी बोलते हैं माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस कितना था ₹140 और डिस्काउंट कितना है ₹42। ओके, तो कितना आ गया ₹98। क्लियर। अब सेल फोन का कॉस्ट प्राइस क्या था दुकानदार के लिए, हमने ऊपर माना था ₹100 और वो बेच कितने में रहा है, सेलिंग प्राइस आ रहा है 98। तो उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, सेलिंग प्राइस कम है तो लॉस हो गया, सिंस एसपी इज लेस देन कॉस्ट प्राइस तो इट्स मेक्स लॉस। तो क्या हुआ, इट्स मेक्स लॉस, लॉस हुआ। कितना हुआ लॉस आप जानते ही हैं, लॉस इज इक्वल सेलिंग प्राइस, उल्टा लिख दिया कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी थी सेल फोन की, 100 मानी थी और बेच हो रहा है ₹98 में, तो ₹2 का लॉस हो रहा है। 100 पर जितना भी होता है वो लॉस परसेंट होता है, तो कितना हो गया, लॉस परसेंट इज इक्वल 2%। ओवरऑल दुकानदार को, शॉपकीपर है, कितना परसेंट लॉस हुआ, 2% लॉस हुआ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एंड द क्वेश्चन नंबर 8 इज अ डीलर परचेज अ फैन फॉर ₹1080। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ अ फैन फॉर डीलर, ये डीलर की बात चल रही है ना, डीलर, तो सर डीलर भी लिख लो, इट इज गिवन इक्वल टू ₹1080। यहां तक क्लियर, हमने जो दे रखा वो लिख लिया। आफ्टर अलाउंग अ डिस्काउंट, उसने डिस्काउंट दिया 25% ऑन इट्स मार्क प्राइस, ही गेन 25%। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द फैन। अब क्वेश्चन का मतलब समझ लो, डीलर ने कोई फैन ₹1080 में खरीदा, अब उसको बेचना भी है, अब उसने बेचा तो क्या करा, डिस्काउंट दे रहा है, कितना दे रहा है 25% डिस्काउंट है ना, आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट 25% ऑन इट्स मार्क प्राइस। तो क्या करता है, इतने का लाया, इससे ज्यादा वो प्रिंट कर देगा, मार्क कर देगा फैन पर, है ना, टैग लगा देगा इससे ज्यादा में, उसका 25% डिस्काउंट दे रहा है, उसके बावजूद भी क्या हो रहा है, वो 25% गेन ले रहा है।
तो पूछा है फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द फैन, तो यानी कि उसने फैन पर कितना मार्क प्राइस करा, कितना प्राइस को मार्क करा, कितना प्रिंट कर लिया। तो क्या करते हैं, जो मार्क प्राइस है उसको भूल जाओ, हमें तो ये देखो कि डीलर ने कुल फैन कितने रुपए का खरीदा और टोटल उससे प्रॉफिट कितना चाहिए। भाई उससे प्रॉफिट तो इसी कॉस्ट पर होगा जितने में खरीदा है। अगर आपने कोई 100 रुपीज़ की चीज़ खरीदी, आपको 30% प्रॉफिट चाहिए, तो आप कितने में सोल्ड करोगे उसे, 130 रुपीज़ में। भले ही आप 200 रुपये प्रिंट कर दो, 150 प्रिंट कर दो, कितना भी छूट दो, अगर आपको 130 रुपये मिलते हैं तब तो आपको 30 रुपये का, सॉरी हाँ 30 रुपये का प्रॉफिट, या 30% प्रॉफिट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हमने डीलर का कॉस्ट प्राइस पता चल गया, डीलर ने फैन खरीदा 1080 रुपीज़ पर और इसको गेन चाहिए 25%। तो एट 25% गेन सेलिंग प्राइस ऑफ फैन क्या हुआ वो निकाल लें। एसपी ऑफ फैन फॉर्मूला यहां लिख देता हूं, एसपी इक्वल टू क्या होता है सीपी, चलो लिख देता हूं, बहुत दिन बाद फॉर्मूला लिख रहा हूं, सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट, जितना परसेंट गेन चाहिए अपॉन 100। तो जो डीलर ने 1080 रुपीज का फैन खरीदा है, अगर उससे 25% गेन चाहिए तो इतने रुपए में सोल्ड करेगा, जो कैलकुलेट करके आएगी। करते हैं चलिए, कॉस्ट प्राइस कितना है 1080, 100 प्लस 25 अपॉन 100, ओके, तो ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा, कितना हो गया 125 अपॉन 100, 25 फोर जा 25 फाइव जा, फोर से कैंसिल हो जाएगा, 4 बन जा 4, 4 टू जा 8 कैरी 2 तो 28, 4 7 जा 28 जीरो, तो ये मल्टीपल कर लीजिए आप, 500, 5 7 जा 35 कैरी 3, 5 टू जा 10 और 3 13, एक और कैलकुलेशन चेक कर ले रहा हूँ, 500, ओके ठीक है। तो क्या हुआ, जो डीलर ने 1080 रुपीज़ का फैन खरीदा वो अगर 1350 रुपीज़ में सोल्ड करेगा तब तो उसको 25% प्रॉफिट हो रहा है ना। अब उसने कुछ क्या करा, मार्क प्राइस प्रिंट करा, वो हमें फाइंड करना है कितना प्रिंट करा, कितना मार्क प्राइस है, कितना परसेंट डिस्काउंट दे रखा है। अब देखो क्या हुआ, सेलिंग प्राइस ये हो गया है ना, डिस्काउंट परसेंट दे रखा है, डिस्काउंट परसेंट इज 25 ही था, क्वेश्चन नंबर 8, हाँ 25% है, इतने में बेच रहा है तो मार्क प्राइस फाइंड करना है। कुछ ध्यान आया नहीं आया, फॉर्मूला हमने लिखवाया था मार्क प्राइस का, मार्क प्राइस ऑफ अ फैन या आर्टिकल जो भी है क्या होता था, सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाएगा। सेलिंग प्राइस हम फाइंड कर चुके 1350 यानी कि 1350 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 माइनस 25 तो ये कितना आ जाएगा 1350 इंटू 100 अपॉन 75। देखो 25 3 जा 25 4 जा 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 बन जा 3, 4 जा 12, 3, 5 जा मल्टीपल कर लो आंसर आ जाएगा। तो मार्क प्राइस ऑफ फैन 4 का 450 में 1800 रुपये हो गया, 450 × 900, हाँ 1800, 1800 रुपीज़। तो मार्क प्राइस ऑफ फैन विल बी 1800 रुपीज़, समझ में आ गया। अच्छा क्वेश्चन था, इसी तरह ही होता है भाई बिजनेस, ही तो होता है, डीलर कुछ खरीद के लाएगा फिर प्रिंट करता ज़्यादा और फिर आपको डिस्काउंट देगा, आप बड़े खुश हो गए कि हमें इतना डिस्काउंट मिल गया, ओके, और उससे जो है वो प्रॉफिट लेता है। तो इस तरीके से सवाल है, क्या करोगे, सबसे पहले तो ये देखते हैं कॉस्ट प्राइस, जिसको प्रॉफिट हो रहा है उसने खरीदा कितने में, और बीच वाली लैंग्वेज को भूल जाओ, क्या मार्क है क्या डिस्काउंट है सब भूल जाओ, उसे कुल कितना परसेंट प्रॉफिट चाहिए, 25% प्रॉफिट चाहिए, तो भाई इतने पे तो चाहिए, तो इस कॉस्ट पर 25% पर सेलिंग प्राइस निकाल लो, वो आ गया इतना 1350, यानी कि इतने रुपए का आइटम आर्टिकल इतने रुपए में बेचेगा तब उससे 25% प्रॉफिट होगा। अब जो भी है डिस्काउंट दे रखा है 25%, मार्क प्राइस पूछा है, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, मार्क प्राइस ऑफ फैन क्या होता है, और कोई फैन से मतलब नहीं, कोई भी आर्टिकल, फॉर्मूला ये सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, वैल्यू पुट कर दोगे तुरंत आंसर आ जाएगा। तो मार्क प्राइस ऑफ फैन विल बी 1800 रुपीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 सेम 8 की तरह, क्वेश्चन इज अ डीलर
bought a refrigerator for ₹11,515. वही हमने लिख लिया कॉस्ट प्राइस या कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर फॉर डीलर ₹11,515. ओके, अब आगे सुनिए. आफ्टर अलाउंग अ डिस्काउंट 16%, वो 16% डिस्काउंट दे रहा है, उसको बेच रहा है और किस पर 60% डिस्काउंट पर. उसके बावजूद भी क्या होता है, ही गेन 20%. तो फाइंड द मार्क प्राइस. ओके, मार्क प्राइस हमें फाइंड करना है. फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर पर कितना मार्क करा. समझ में आ गया, हमने क्या बताया था कितने में खरीदा और उससे कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, उस पर सेलिंग प्राइस निकाल लो. तो फर्स्ट वी विल फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर एट 20% गेन. ओके, तो सेलिंग प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर एट 20% गेन क्या था, अब तो डायरेक्ट लिख दूं, सीपी इंटू कॉस्ट प्राइस कितनी है 11510, सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100. तो ये आ गया इसका सेलिंग प्राइस 11515 इंटू 120 अपॉन 100, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 6 2 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 2 10 कैरी 1 तो 15 हो गया, 5 3 15 ना जाने की जिससे होता है 5 5 15, 6 का मल्टीपल करें इसमें, 6 5 30, 6 3 18 कैरी 1 6 2 12 और 1 13. तो हमें सेलिंग प्राइस मालूम पड़ गया, जो फ्रीज उसने रेफ्रिजरेटर 11,515 रुपीज में खरीदा है, अगर वो इतने रुपए में सोल्ड करे तब जाके उसे 20% क्या होगा प्रॉफिट. अब डिस्काउंट कितना दे रहा है 16%, तो मार्क प्राइस पूछा है, अभी हमने निकाला था फॉर्मूला लगा दो, क्या था मार्क प्राइस इक्वल टू एसपी, चलो मैं लिख देता हूं मार्क प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस ऑफ, चलो लिख देता, किस पर कर रहा है रेफ्रिजरेटर, क्या था सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस, आप डी परसेंट भी ले सकते हो, डी फॉर डिस्काउंट, डी परसेंट का डिस्काउंट है ना फॉर्मूले शॉर्ट में. तो सेलिंग प्राइस कितना निकल के आया 13830 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और डिस्काउंट दे रखा हमें 16%. आंसर इज 13830 इंटू 100, 100 में से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 84, 4 से तो कैंसिल हो रहा है लेकिन 0 मल्टीपल करना इस पहले, चलो से कैंसिल करते हैं, 2 से 2 4 8 2 2 4, 2 से कैंसिल करें, 2 6 12 कैरी 18, 2 9 2 1 2 5 9 1 10 10 5 15, हाँ 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये हमने कैंसिल कर दिया, 14 टाइम्स 3 1 3 3 4 12, 3 से कैंसिल करें, 3 2 6 3 3 9, यानी कि तो पहले मैं लिख लूँ यहाँ पर, ये आ गया अब 2305 इंटू 100 अपॉन 14, 7 से कैंसिल हो जाएगा, क्या 7 2 14 और 7 3 21, 2 बचेंगे, 2 का मतलब 20, 7 2 14, 7 से कैंसिल नहीं होगा, चलिए तो 2 से कैंसिल करते हैं इन दोनों को, 2 7 2 से ये 50 टाइम्स, ओके तो 7 3 21 2 0, 7 2 14 65 63 उधर कैंसिल हो जाता, पॉइंट में भी आंसर है नहीं, कुछ गड़बड़ कर दी, कहीं मिस्टेक हो गई, चेक करते हैं, यहाँ से चेक करें, सेलिंग प्राइस 20% 1151 120, 26 25, ठीक है 5 से कैंसिल करा तो 5 2 10 1 कैरी 15, 5 3 15 ना जाने की जो 5 3 15, ये मिस्टेक है, यहाँ 5 की जगह 3 आएगा, 5 3 15, ये मिल गई, ये मिस्टेक थी थोड़ी सी, यहाँ सही कर लेना, ये 3 है, जब ये मिस्टेक है 6 का मल्टीपल करेंगे तो ये गलत हो गया, इसे दोबारा लिख देता हूँ मैं, कितना आएगा 6 3 18 कैरी 1 6 2 12 और 3, 13818 ये आया सेलिंग प्राइस, ये आएगा तो सेलिंग प्राइस की जगह हमें ये पुट करना होगा, इसे काट ही देते हैं,
इसलिए गड़बड़ होता है। चलो लगा देते हैं सेलिंग प्राइस। अब ये है ना 13818 × 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट कितना है 16% डिस्काउंट मिल रहा है, तो 100 माइनस 16 तो ये कितना हो गया 13818 × 100। तो देखो कैलकुलेशन करो ध्यान से करना, देखो हमने मिस्टेक कर दिया है ना, तो 18 में से 16 गए तो 84, तो 2 से तो काट दें 25 जा और 2 से ये 24 जा 22 जा 6 2 से कट रहा है और 3 से 6 से कट जाएगा 67 जा 42 6 से काट दो 6 2 जा 12 1 कैरी 18 हो गया 6 3 जा 18 ना जाने की जीरो से बोलते हैं 6 3 जा 18 7 से काट दो 7 बन जा 7 3 जा 21 2 का मतलब 20 7 2 जा 14 6 बचा 63 7 9 जा। तो ये क्या बचा आपका 329 × 50। ये क्या चल रहा था मार्क प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर है ना, तो यहां लिख दे रहा हूं मैं, इधर लिख देता हूं मार्क प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर विल बी रुपी, मल्टीपल करेंगे तो जीरो तो ये 5 9 = 45 कैरी 4 5 2 = 10 = 14 1 5 3 = 15 और 16,450 rupees। तो ये आंसर आ गया मार्क प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर होगा 16,450 rupees। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 एंड द क्वेश्चन 10 इज अ ज्वेलर अलाउ अ डिस्काउंट 16%। तो जो दे रखा है उसे हम लिखते चलते हैं, डिस्काउंट दे रखा है 16%, सेम ऊपर की तरह सवाल है, टू हिज कस्टमर एंड स्टिल गेन, तब भी उसे गेन हो रहा है, कितना गेन दे रखा है 20%। ओके फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ अ रिंग विच कॉस्ट द ज्वेलर, तो कॉस्ट ऑफ रिंग, कॉस्ट से मतलब सीपी है ना, कॉस्ट प्राइस ऑफ रिंग फॉर ज्वेलर, ज्वेलर को जो कॉस्ट पड़ रही है रिंग की उसकी बात चल रही है ना, और ज्वेलर को कितनी पड़ रही है कॉस्ट, वो दे रखी है रुपी 1,190 rupees। ओके तो कॉल ज्वेलर के लिए इतनी कॉस्ट है, तो बात समझ में आ गया आप लोगों को, जैसे ऊपर सवाल करा सेम कॉस्ट प्राइस हमें मालूम है, गेन चाहिए तो सबसे पहले सेलिंग प्राइस निकालो वो बेचेगा कितने में, तो सेलिंग प्राइस ऑफ रिंग एट कितना परसेंट गेन है 20% गेन, एसपी क्या होता है सीपी, इनटू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100। ओके तो ये कितना आ गया रुपी, रुपी तो हम बाद में लिख लेंगे, पहले कैलकुलेट कर लें 120 upon 100, 10 से ये और सेकंड जीरो से 12 का मल्टीपल कर दो तो ये आ जाएगी इसकी सेलिंग प्राइस ऑफ द रिंग, की रिंग बेच कितने में रहा है, 12 9 जा 108 कैरी 10, 12 1 जा 12 और 10 22 कैरी 2, 12 1 जा 12 और 2 40। जो रिंग उसे 1,190 rupees की पड़ रही है वो सेलिंग प्राइस कितनी है उसकी, ये अब डिस्काउंट कितना दे रहा है 16%, मार्क प्राइस पूछा है निकाल दो फॉर्मूला भी, मार्क प्राइस इज इक्वल टू एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ रिंग इनटू, अभी दिखाता हूं, इनटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, उसमें ही 16 था ऊपर वाले सवाल में, एक बार चेक कर लूं मैंने ऊपर कितने उतार लिया है 16 16, हाँ ठीक है 84 आ रहा है, तो ये 1,428 × 100, 100 में से 16 सॉल्व करोगे ये अलग चला इधर से है ना, ये आ गया 84, 4 से कैंसिल हो जाएगा 4 2 जा 8 4 बन जा 4, 4 से कैंसिल कर दो 4 3 जा 12 2 कैरी यानी 22, 4 5 जा 22 कैरी 28, 4 7 जा 7 से हो जाएगा 7 3 जा 7 5 जा 35, 7 बन जा 7, 3 से फिर हो जाएगा 3 1 जा 17 3 जा, तो कितना आ गया 1700 आ गई मार्क प्राइस, तो लिख दो मार्क प्राइस ऑफ रिंग विल बी, लिख देते हैं मार्क प्राइस ऑफ रिंग इज इक्वल
1700 रुपीज़। तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो क्या है, अगर कॉस्ट प्राइस दे रखी है और कुछ डिस्काउंट दे रहा है और उसको कुछ प्रॉफिट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, डिस्काउंट को भूल जाओ। पहले तो जो जो भी है, डीलर है, ज्वेलर है, कोई भी है, उसने कितने रुपए का आर्टिकल खरीदा, कितना परसेंट गेन या हो सकता है लॉस हो, सवाल में लॉस भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, तो कितना परसेंट लॉस या कितने परसेंट गेन हो रहा है उस पर सेलिंग प्राइस निकाल लो। जैसे ये था, रिंग दे रखी थी इतने रुपीज की, उसको गेन हो रहा है 20%, तब सेलिंग प्राइस निकालना है कि कुल कितने बेचेगा कितना। तो रिंग की कॉस्ट आ गई 1428 रुपीज। अब वो बेच तो रहा है, उसने क्या कर, रिंग पर मार्क प्राइस कुछ बढ़ा के कर दिया और उस पर डिस्काउंट दे रहा है 16%। तो मार्क प्राइस वाला फॉर्मूला लगा दो, मार्क प्राइस होता है सेलिंग प्राइस इंटू 100/100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। कैलकुलेट कर लोगे, आंसर आ जाएगा। ओके, तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, क्वेश्चन नंबर 11-14 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा इन सवालों को करने में और बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहे होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर पहली बार वीडियो पर देख रहे हो या पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि इसके आगे का पार्ट मैं जब भी अपलोड करूंगा तो वो आपका मिस नहीं होगा, आपके पास उस वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि जैसे कि आपने इस वीडियो का फायदा उठाया है, वो लोग इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।